हेलो एवरीवन, देन आज का हमारा टॉपिक है पामर एपिनोरेसिस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पामर एपिनोरेसिस के तो ये भी मॉडिफिकेशन है हमारे डीप फेशिया का और ये कैसे बनता है। तो हमने अपने फोरआर्म में एक मसल्स पढ़ा था, फोरआर्म के फ्लेक्जर कंपार्टमेंट में एक मसल पड़ता है सुपरफिशियल ग्रुप में, पामेरिस लॉन्गस। तो वो उसी का डिजेनरेटेड पार्ट ऑफ पामेरिस लॉन्गस के टेंडन होते और यही जाके पामेरिस लॉन्गस के लॉन्गस मसल ही जाके पामर एपिनोरेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका काम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ना, जैसे अगर हैंड में पकड़ते हैं हम, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड। जैसे ये पेन हमने पकड़ा, तो इस पेन को पकड़े तो किसके वजह से, पामर एपिनोरेसिस उसको स्टेबलाइज कर रहा। और इसका शेप कैसा होता है, तो ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है। ट्राइंगुलर होगा तो उसके पास एक एपेक्स होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। तो एपेक्स कहाँ से अटैच रहता है, तो एपेक्स इसका फ्लेक्जर रेटिना कुलम से अटैच होता है। देखिए फ्लेक्जर रेटिना कुलम हमने पढ़ा, फ्लेक्जर रेटिना कुलम जहाँ पे फोरआर्म ख़त्म होता है और रिस्ट स्टार्ट होता है उसके पास ही पाया जाता है, तो फ्लेक्जर रेटिना कुलम लम। तो वो उसका बेस उससे अटैच होता है, उसका एपेक्स उससे अटैच होता है। और बेस देखते तो उसका बेस अटैच होता है, बेस कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो एट द हेड ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मेटाकार्प। ये हमारा हुआ ना मैं एट द हेड ऑफ बेस ऑफ ये हमारा हुआ ना मेटा का, तो यहाँ तक ये अटैच रहता है। और इसके बाद से हम देखते और इसका बेस जो रहता है ना उससे चार स्लिप्स निकलता है, चार स्लिप्स जो कि अगेन डिवाइड होते हैं टू स्लिप्स। जैसे मान लेते कि देखिए ये हमारा फ्लेक्जर रेटिनाकुलम है, बेस ये हमारा पामर एपिनोरेसिस, ये हमारा उसका बेस हो गया ये चार। तो ये चार स्लिप दे रहा है, 1 2 3 4, और ये अगेन जाके दो दो स्लिप में डिवाइड हो रहा है ऐसे ऐसे। हाँ, और इन सारे स्लिप्स में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं। और इसके दो स्लिप्स जो होते हैं ना वो मर्ज करते किसके साथ, देखिए हैंड में ऑलरेडी भी कोई सीट होना चाहिए, तो वो फाइबर्स डिजिटल सीट के साथ हैंड के साथ मर्ज करते हैं और गिव्स फाइबर्स और वो गिव्स फाइबर्स देते हैं टू द कैप्सूल ऑफ मेटाकार्पल जॉइंट। और इसमें क्या रहते हैं, इसमें डिजिटल वेजल्स और नर्व्स रहते हैं, इन दोनों स्लिप से पास करते हैं। और देखते और इसका लेटरल बॉर्डर किससे अटैच होता है, तो हैंड में हमने पढ़ा था ना दो ग्रुप के मसल होते हैं, हाइपोथिनर और थिनर ग्रुप। तो लेटरल में हमारा थिनर ग्रुप था, तो इसका लेटरल बॉर्डर अटैच होता है विथ फेशिया कवरिंग द थिनर मसल। और इसका मीडियल बॉर्डर अटैच होता है अटैच विथ फेशिया कवरिंग द हाइपोथिनर मसल सर। और यहीं से ना मीडियल बॉर्डर के ही साइड से एक मसल का ओरिजिन होता है जिसका नाम जो कि सुपरफिशियल मसल है, जिसका नाम है पामेरिस ब्रेविस का ओरिजिन होता है। और आइए अब हम इसके डायग्राम पे देखते हैं कि जैसे कि सपोज करते हैं कि ये हमारा हैंड हो गया, ये हमारा थंब हो गया, देन इंडेक्स फिंगर, देन ये हमारा मिडिल फिंगर, देन ये हमारा रिंग फिंगर एंड देन ये हमारा लिटिल फिंगर। और यहाँ से हम पामर एपिनोरेसिस बनाते हैं। देखो पामर एपिनोरेसिस किसका है, वैसे तो मसल का टेंडन से ही बनता है, तो इसलिए हम इसे ब्राउन से ड्रॉ कर, ये हमारा हो गया पामर एपिनोरेसिस। इससे सबसे पहले इसका अपेक्स किससे अटैच होता है, फ्लेक्जर रेटिनाकुलम, ये हमारा फ्लेक्जर रेटिनाकुलम हो गया। इसके बेस से चार स्लिप्स निकलते, बेस ये हमारा मान लेते चार स्लिप्स हो गए, ये वाला इसके चार स्लिप्स हो गए, इधर वाला हमारा थिनर को फेशिया बनाना है ना, फेशिया एक सेकेंड, तो इधर साइड से हमारा थिनर ग्रुप के फेशिया और इधर साइड से हमारा हाइपोथिनर ग्रुप के फेशिया, डिजिटल वेजल्स और नर्व्स यहाँ से पास करते हैं।
अब हम इसका नेमिंग कर ले। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले फ्लेक्चर रेटिनाकुलम, ये उसका एपेक्स, इधर वाला बेस, पामर एपोन्यूरेसिस, नहीं इसको डायनामाइसो, ये हमारा फेशिया कवरिंग द, ये वाला हमारा मीडियल साइड हो गया, लेटरल साइड हो गया, फेशिया कवरिंग द हाइपोथिनर ग्रो, हाइपोथिनर ग्रो हमारा, और ये वाला हो गया फेशिया कवरिंग द थिनर ग्रो। The thinner group, digital vessels on nerves, digital vessels and nerves, और हाँ तो इसमें इतना ही। और आप इसके क्लिनिकल्स में देखते हैं, और ये किसका फिगर है, एक सेकेंड, ये किसका फिगर है, फिगर है पामर एपोनोरेस, पामर एपो नॉरेस, और इसके क्लिनिकल में आता है, देखिए इसके मोस्ट मीडियल से मतलब अगर मीडियल साइड में अगर प्रोग्रेसिव माइटोसिस, मतलब माइटोसिस होते होते जा रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सेल ज़्यादा हो जाएगा, सेल ज़्यादा होगा तो उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो ये वाला एरिया हमारा स्वेलन कर जाएगा, स्वेलन कर जाएगा तो फिर हमें इसके इन दोनों फिंगर के मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो वही हमारा डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। इसमें मोस्टली कौन फिंगर अटैच होता है, लिटिल फिंगर, लेकिन पहले हमारा रिंग फिंगर इफेक्ट होता है, देन इसे देखिए, तो यही वाला हमारा एरिया मीडियल साइड है, यहाँ पे अगर प्रोग्रेसिव माइटोसिस होते जाएगा तो ये वाला एरिया स्वेलन कर जाएगा, स्वेलन कर जाएगा का, तो पहले रिंग फिंगर इफेक्टेड होगा, देन हमारा लिटिल फिंगर इफेक्टेड होगा का, तो पामर एपोन्यूरेसिस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।